सब्सक्राइब कीजिए सिविल नोटबुक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के लेसन में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन ब्रिक मैसनरी वॉल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ब्रिक मैसनरी वॉल में किस तरीके की बॉन्ड हम लोग यूज करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखिए, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज के लेसन को। फ्रेंड्स, द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ बॉन्ड्स इन ब्रिक मैसनरी आर स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड। दोस्तों, इस चार टाइप की बॉन्ड को हम लोग जनरली यूज करते हैं। इसको छोड़ के भी अदर टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स भी है, बट वो हम लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दोस्तों, आप लोग एक ब्रिक देख पा रहे हैं, तो इसको हम लोग कह रहे हैं स्ट्रेचर। अगर हम लोग इस साइड से देखेंगे तो ये है दोस्तों स्ट्रेचर। इस साइड से अगर हम लोग देखते हैं तो इधर भी आप लोगों को एक स्ट्रेचर देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर हम लोग इस साइड से देखते हैं तो ये है एक हेडर। इसकी ऑपोजिट साइड में देखिए, इधर भी देखिए हेडर, अगर हम लोग इस साइड से देखते हैं। अब दोस्तों देखिए, आप लोगों के सामने चार टाइप की बॉन्ड है। पहला है देखिए स्ट्रेचर बॉन्ड, दूसरा है हेडर बॉन्ड, तीसरा है इंग्लिश बॉन्ड एंड लास्ट वन इज फ्लेमिश बॉन्ड। दोस्तों, अगर हम लोग इस वॉल के सामने खड़े हैं और इस वॉल को देख रहे हैं, तो हर एक लेयर में, जिसको हम लोग कोर्स कहते हैं, उनमें हम लोग ब्रिक की स्ट्रेचर को देख पाएंगे। ओके, ए भी है स्ट्रेचर, ए भी स्ट्रेचर है, ए भी स्ट्रेचर है, हर एक लेयर में हम लोग स्ट्रेचर को देख पाएंगे। ओके, तो इसलिए हम लोग इसको कह रहे हैं स्ट्रेचर बॉन्ड। अब दोस्तों बात करते हैं हेडर बॉन्ड। इस वॉल के सामने अगर हम लोग खड़े हैं और इस वॉल को देख रहे हैं, तो देखिए हर एक कोर्स में हम लोग ब्रिक की हेडर को देख पाएंगे। ओके, ए भी एक हेडर है, ए भी हेडर है, ए भी हेडर है, हर एक ब्रिक की हम लोग हेडर को देख पाएंगे। ओके, तो इसलिए हम लोग इसको कह रहे हैं हेडर बॉन्ड। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लिश बॉन्ड के बारे में। दोस्तों, इंग्लिश बॉन्ड में क्या हो रहा है, देखिए एक कोर्स है, ये दूसरा कोर्स है, ये तीसरा, ये चौथा, ये फिफ्थ कोर्स है। ओके, तो देखिए पहला जो कोर्स है इसमें क्या है, देखिए स्ट्रेचर, ब्रिक की स्ट्रेचर को हम लोग देख पा रहे हैं। दूसरे कोर्स में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हेडर। ओके, तीसरे में हम लोग फिर से देख पा रहे हैं स्ट्रेचर, चौथे में देखिए फिर से हेडर। ओके, तो इस तरीके की बॉन्ड में देखिए, एक कोर्स में अगर स्ट्रेचर है तो दूसरे में होगा हेडर, तीसरे में होगा फिर से स्ट्रेचर, चौथे में होगा हेडर, तो इस तरीके से आपका चलता रहेगा। ओके, तो ये है देखिए इंग्लिश बॉन्ड। अब दोस्तों बात करते हैं फ्लेमिश बॉन्ड के बारे में। दोस्तों, फ्लेमिश बॉन्ड में क्या हो रहा है, देखिए ए एक कोर्स है, ओके, ए दूसरा कोर्स है, ए तीसरा है, ये चौथा है। ओके, तो पहला कोर्स में देखिए क्या है, एक स्ट्रेचर एक हेडर, एक स्ट्रेचर एक हेडर, एक स्ट्रेचर है। फिर से देखिए दूसरा कोर्स में क्या है, एक हेडर एक स्ट्रेचर एक हेडर, एक स्ट्रेचर एक हेडर। फिर से देखिए एक स्ट्रेचर है एक हेडर है, एक स्ट्रेचर है एक हेडर है, तो इस तरीके से आपका चलता रहेगा। मतलब हर एक कोर्स में स्ट्रेचर एंड हेडर ऑल्टरनेटिवली रहता है। ओके, तो इस तरीके की बॉन्ड को हम लोग कहते हैं फ्लेमिश बॉन्ड। अब दोस्तों इनके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। सो पहला टाइप ऑफ बॉन्ड है देखिए स्ट्रेचर बॉन्ड। तो पहले ही मैंने बताया है ए इस ब्रिक की स्ट्रेचर है। ओके, अब दोस्तों देखिए लॉन्गर नैरो फेस ऑफ द ब्रिक इज कॉल्ड एज स्ट्रेचर। तो दोस्तों ये है देखिए स्ट्रेचर, इसकी ऑपोजिट साइड में देखिए इधर भी एक स्ट्रेचर पार्ट है। ओके, स्ट्रेचर बॉन्ड ऑल्सो कॉल्ड एज रनिंग बॉन्ड, इसको हम लोग रनिंग बॉन्ड भी कहते हैं। रनिंग बॉन्ड इज क्रिएटेड व्हेन ब्रिक्स आर लेड विथ ओनली देयर स्ट्रेचर शोइंग। सो दोस्तों हम लोग सिर्फ स्ट्रेचर को देखिए देख पा रहे हैं। ओके, ओवरलैपिंग मिडवे विद द कोर्स ऑफ ब्रिक्स बिलो एंड अबव। दोस्तों देखिए ए एक ब्रिक है। ओके, तो देखिए ओवरलैप कहां से कहां हो रहा है, ए इस ब्रिक की मिड पोर्शन है, इस मिड पोर्शन से लेके दूसरे ब्रिक की देखिए मिड पोर्शन में ए जो पार्ट है इसमें क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है। ए भी देखिए ओवरलैप हो रहा है, ए भी देखिए ओवरलैपिंग पोर्शन है, ए भी क्या है, ओवरलैपिंग पोर्शन है। ओके, दे आर सुइटेबली यूज्ड ओनली फॉर वन हाफ ब्रिक थिक वॉल सच एज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ ब्रिक थिक पार्टीशन वॉल। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, देखिए ब्रिक को हम लोग स्ट्रेचर में लगा रहे हैं, तो देखिए हाफ ब्रिक थिक वॉल हम लोग इसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इसमें हम लोग फुल ब्रिक वॉल को क्रिएट नहीं कर सकते हैं।
तो ज्यादातर हम लोग जो पार्टीशन वॉल है इसमें हम लोग इस तरीके की बॉन्ड को यूज करते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स देखिए ये है स्ट्रेचर बॉन्ड की प्लान व्यू, मतलब ऊपर से हम लोग इसको देख रहे हैं। ओके, इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। वॉल्स कंस्ट्रक्टेड विथ स्ट्रेचर बॉन्ड्स आर नॉट स्टेबल इनफ टू स्टैंड अलोन इन केस ऑफ लॉन्गर स्पैन एंड हाइट। दोस्तों ये मान लीजिए एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। ओके, तो इन दोनों कॉलम के बीच में बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस है, तो इस केस में हम लोग स्ट्रेचर बॉन्ड को यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी कम होता है और इसको हम लोग ज्यादा हाइट तक क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके की बॉन्ड अगर हम लोग क्रिएट करना ही चाहते हैं तो देखिए बीच बीच में हम लोगों को ब्रिक से बना हुआ कॉलम प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, अब फ्रेंड्स बात करते हैं हेडर बॉन्ड के बारे में। दोस्तों ये है इस ब्रिक की हेडर, तो इस साइड भी है एक हेडर। ओके, हेडर इज द शॉर्टर स्क्वायर फेस ऑफ द ब्रिक व्हिच मेजर 9 cm × 9 cm। तो इसका देखिए डायमेंशन भी बोला गया है, ये है 9 cm, ये भी है आपका 9 cm, तो 9 cm × 9 cm। इन हेडर बॉन्ड्स ऑल ब्रिक्स इन ईच कोर्स आर प्लेस्ड एज हेडर्स ऑन द फेस ऑफ द वॉल। तो देखिए ये इस वॉल की फेस है, हम लोग इस वॉल के सामने खड़े हैं और क्या देख पा रहे हैं, सिर्फ ब्रिक की हेडर को। ओके, हर एक कोर्स में। अब दोस्तों देखिए रेड कलर में मैंने टू ब्रिक्स को दिखाया है, तो इसको हम लोग कहते हैं 3-4 बैट। तो 3-4 बैट क्या होता है और हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स देखिए ये है एक फुल ब्रिक, इसको हम लोग 4 पार्ट में ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4। ओके, तो इसमें देखिए हम लोग एक पार्ट को हटा देंगे। ओके, तो क्या रह जाएगा, ये जो पूरा पार्ट है ये क्या है, ये है आपका 3-4 बैट। ओके, तो इस पोर्शन को हम लोगों ने हटा दिया है, तो बाकी जो रह रहा है तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, 3-4 बैट। तो इसको हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, वर्टिकल जॉइंट को रिमूव करने के लिए और अवॉइड करने के लिए। दोस्तों क्या होता है देखिए, अगर हम लोग इस तरीके से ब्रिक्स को लगा रहे हैं, ओके ये एक लेयर है, दूसरे लेयर में ऐसे हम लोग ब्रिक को लगा दिए, तीसरे लेयर में ऐसे लगा दिए, तो दोस्तों क्या होगा देखिए, बीच में एक वर्टिकल जॉइंट क्रिएट हो जाएगा, तो इसके वजह से आसानी से आपका क्रैक हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके की जॉइंट्स को अवॉइड करने के लिए हम लोग ओवरलैपिंग करते हैं। ओके, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके से ओवरलैपिंग करते हैं, तो इस ओवरलैपिंग के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, 3-4 बैट को। पहले लेयर की स्टार्टिंग में हम लोग एक 3-4 बैट को यूज करेंगे, दूसरे में लेयर लगाएंगे और थर्ड में देखिए फिर से एक 3-4 बैट को यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये है देखिए इसका प्लान व्यू। फ्रेंड्स, हेडर बॉन्ड इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल विथ फुल ब्रिक थिकनेस। तो देखिए ये एक ब्रिक की थिकनेस है, एक फुल ब्रिक थिक वॉल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं हेडर बॉन्ड से। इन हेडर बॉन्ड्स ऑल ब्रिक्स इन ईच कोर्सेस आर प्लेस्ड एज हेडर्स ऑन द फेस ऑफ द वॉल। दोस्तों ये है देखिए इस वॉल की फेस, ए भी है एक फेस। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए हर एक लेयर में ब्रिक्स की हम लोग हेडर को देख पा रहे हैं। ओके, इन हेडर्स बॉन्ड द ओवरलैप इज केप्ट इक्वल टू हाफ विथ ऑफ द ब्रिक टू अचीव दिस। 3/4 brick beds आर यूज इन द ऑल्टरनेटिव कोर्स। ओके, तो दोस्तों देखिए ये है क्या 3-4 बैट, इसको हम लोग ऑल्टरनेटिवली यूज कर रहे हैं। ओके, तो दोस्तों देखिए जो ओवरलैपिंग है कहां से हम लोग कर रहे हैं, एक ब्रिक की हाफ से लेके दूसरे ब्रिक की हाफ तक, तो ये है देखिए क्या, ये है देखिए ओवरलैपिंग पोर्शन। ओके, तो इस तरीके से आपका ओवरलैप होता है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड है देखिए इंग्लिश बॉन्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉन्ड है, इस तरीके की बॉन्ड को हम लोग यूज करते हैं, इसका स्ट्रेंथ भी हाई होता है। तो इसके बारे में हम मैंने पहले ही बोला है, देखिए ये एक कोर्स है, ये दूसरा कोर्स है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये फिफ्थ कोर्स है। देखिए पहला कोर्स में क्या लगा है,
स्ट्रेचर, दूसरा कोर्स में देखिए हेडर लगा है, और फिर से तीसरा कोर्स में स्ट्रेचर, चौथा कोर्स में देखिए हेडर। तो इस तरीके से आपका चलता रहेगा। तो एक लेयर पे अगर हम लोग स्ट्रेचर लगा रहे हैं तो दूसरे में हम लोग क्या लगाएंगे, हेडर। तो इस तरीके की बॉन्ड को हम लोग कह रहे हैं इंग्लिश बॉन्ड। इट हैज टू ऑल्टरनेटिंग कोर्सेस ऑफ स्ट्रेचर एंड हेडर। ओके, टू ब्रेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ वर्टिकल जॉइंट्स क्वीन क्लोजर इज यूज्ड इन द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ वॉल आफ्टर फर्स्ट हेडर। ओके, सो दोस्तों पहले हम लोगों को जानना है क्वीन क्लोजर क्या है। तो दोस्तों ये एक ब्रिक है, तो इसको हम लोग क्या कर दिया है, हाफ, इस तरीके से हम लोग हाफ कर दिए हैं। तो हम लोगों को जो ब्रिक मिल रहा है तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, क्वीन क्लोजर। तो इसको हम लोग कहां पर यूज करेंगे, देखिए एक लेयर है, इस लेयर में देखिए हेडर लगा हुआ है। ओके, तो एक हेडर को छोड़ के हम लोग क्या लगाएंगे, ए है कि देखिए ए एक क्वीन क्लोजर है। ओके, ए वॉल की स्टार्टिंग में हम लोग लगा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से हम लोग इस वॉल की एंड में और एक हम लोग क्वीन क्लोजर लगाएंगे हेडर के पहले। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इस केस में वर्टिकल जॉइंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इंग्लिश बॉन्ड के बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं फ्लेमिश बॉन्ड के बारे में। दोस्तों फ्लेमिश बॉन्ड में क्या हो रहा है, देखिए एक कोर्स है ये, दूसरा कोर्स है। दोस्तों पहला कोर्स में क्या लगा है, स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर, इस तरीके से एक ही लेयर में स्ट्रेचर हेडर लगा है। दूसरे लेयर में देखिए हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर, तो इस लेयर में भी देखिए हेडर स्ट्रेचर ऑल्टरनेटिवली लगा हुआ है। फ्लेमिश बॉन्ड ऑल्सो नोन एज डच बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम लोग डच बॉन्ड भी कह सकते हैं, इज क्रिएटेड बाय लेइंग ऑल्टरनेटिव हेडर्स एंड स्ट्रेचर इन सिंगल कोर्स। ये देखिए एक कोर्स है, एक कोर्स में हम लोग स्ट्रेचर एंड हेडर दोनों को लगा रहे हैं ऑल्टरनेटिवली। ओके, द ऑल्टरनेट हेडर्स ऑफ ईच कोर्स आर सेंटर्ड ऑन द स्ट्रेचर ऑफ द कोर्स बिलो। ओके, तो देखिए एक लेयर की स्ट्रेचर है, तो दूसरे लेयर में जो हेडर होगा वो कहां पर होगा, इस स्ट्रेचर की मिडिल में होगा। ये स्ट्रेचर है, ये हेडर है, तो इसके देखिए मिडिल में हम लोग हेडर को लगा रहे हैं। द थिकनेस ऑफ द फ्लेमिश बॉन्ड इज मिनिमम वन फुल ब्रिक, तो इसमें हम लोग मिनिमम वन फुल ब्रिक थिक वॉल को अचीव कर सकते हैं, इससे ज्यादा भी हम लोग अचीव कर सकते हैं। द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्लेमिश बॉन्ड इज दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लेमिश बॉन्ड इज डिफिकल्ट एंड रिक्वायर्स ग्रेटर स्किल टू ले इट प्रॉपरली। दोस्तों इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसको लगाने के लिए हाईली स्किल लेबर चाहिए। ओके, और दोस्तों इसके लिए कॉस्ट भी आपका इंक्रीज हो जाता है। फ्लेमिश बॉन्ड हैव बेटर अपीयरेंस बट आर वीकर देन इंग्लिश बॉन्ड फॉर लोड बियरिंग वॉल कंस्ट्रक्शन। ओके दोस्तों, इस तरीके की बॉन्ड देखने में अच्छा होता है बट इसका जो स्ट्रेंथ है ये आपका इंग्लिश बॉन्ड से कम होता है। ओके सो दोस्तों देखिए अगर हम लोग इस साइड से इस वॉल को देख रहे हैं तो देखिए ये है हेडर, इसमें देखिए हेडर देख पा रहे हैं, ये है स्ट्रेचर, ये है हेडर, ये है स्ट्रेचर। तो इस साइड से अगर हम लोग देखेंगे तो ये है हेडर, ये है स्ट्रेचर, ये हेडर, ये स्ट्रेचर। ओके फ्रेंड्स, ये था इस स्टार टाइप की बॉन्ड के बारे में। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इफ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो देन लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों मिलते हैं अगले लेसन पे।